करने वाले हैं कि गर्मी के सीज़न में मोस्टली या वैसे भी लोगों को सीने में जलन, पेट में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसके लिए आपको होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ कि आप कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं बिना दवाओं के। एक्चुअली होता क्या, जब खाना जो हमारा होता है खाने के बाद वापस से ऊपर नली में चढ़ने लगता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जले में। ये बहुत से रीज़न से हो सकता है, कभी कदार ओवर ईटिंग की वजह से, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से, या किसी को हार्निया की प्रॉब्लम होती है तो, या खाना पचता नहीं है, अपच, बदहजमी या एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से होने लगता है। तो मैं कुछ आपको थिंग्स बताने वाली हूँ, फूड थिंग्स के बारे में कुछ रेसिपीज़ बताने वाली हूँ जिन्हें आप यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बार ये बहुत दवाओं से भी हो जाता है कि वो जो दवा ले रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं आपको बताने, सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के बारे में। तो आपको क्या करना है, ठंडा दूध लेना है, एक कप ठंडा, मतलब फ्रिज का ठंडा, इसको पी लीजिए तो ये आराम मिल जाता है, जो आपको जलन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज़ जो दही, दही जो होता है इसमें एंटी एसिड गुड़ पाया जाता है, क्वालिटी पाई जाती है, तो ये इसके लिए लाभदायक होता है। तो आप इसका इसमें दही में आप ये याद रखना है आपको कि फ्रेश दही होना चाहिए, ये खट्टा नहीं होना चाहिए या पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। फ्रेश दही होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए, जिससे कि आप खा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल भी सकते हैं, और या चाहे तो आप खीरा डाल सकते हैं, इसमें रायता बना के भी खा सकते हैं, लौकी का या खीरे का, अच्छे से धुल के साफ़ कर लीजिए, छील लीजिए और कद्दूकस कस कर करके डाल लीजिए, इसमें से हल्का सा काला नमक या लाल नमक स्प्रिंकल कर लीजिए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप खाली दही नहीं खा सकते तो ये रायता भी खा सकते हैं, बट हाँ ये याद रखना है कि आप खीरा या लौकी का ही खाइए, बूंदी का नहीं। एंड द सेकेंड थिंग, दही आपका फ्रेश होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रूट चाट जो होती है, फ्रूट चाट में जैसे आप कीवी है, खुबानी है, अनार है, नाशपाती है, तो ये सारे फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, इनकी फ्रूट चाट बना लीजिए। एप्पल है, अमरूद है, तो इनका जो मतलब फाइबर वाले होते हैं फ्रूट्स, वो फ़ायदा करते हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए, तो आप इनकी फ्रूट सैलड बना के खा सकते हैं, ये भी आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ एलोवेरा जूस। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पहली बात तो, और इसका जूस बनाना तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और बना बनाया भी मार्केट में आता है, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करता है एक्चुअली, बट इसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है अगर आपको सीने या पेट में जलन की प्रॉब्लम हो गई है। तो आप एक ढक्कन, उसके साथ कैप मिलता है, अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो इतना सा मैं बोलूँगी 2 ml पी लो, उतना बहुत है आपके लिए, तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।